नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को एकादशी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं होते हैं, बल्कि इन सभी कर्मों को अपना कर्तव्य समझकर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है और उन व्रतों में सर्वोपरि व्रत एकादशी का व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा जी, प्रकाशक तत्वों में सूर्य देव और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही सभी व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता बताई गई है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख और शांति के साथ साथ समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही इस मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति, वह भी पूर्ति होती है। इसलिए प्रयास कर हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब हम सब भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा एवं इसका महात्म्य सुनते हैं। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा और महात्म्य के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं, तथा उस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रभु, यह सब विस्तार से बताइए। नारद जी द्वारा इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी के स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत वाले दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो व्यक्ति समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के व्रत वाले दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम कहा गया है। अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है
उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लालमणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान श्री हरि विष्णु उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे तुलसी दल से पूजा करने पर हो जाते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य कामिका एकादशी को दिन रात दीप दान करता है उसके पुण्यों की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी सब पातकों को हरने वाली है, अतः प्रत्येक मनुष्य को, हर मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी का यह व्रत स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री हरि विष्णु के लोक में जाता है। कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देता है और उसे सुख और संपन्नता प्रदान करता है। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हर मनुष्य को यथासंभव कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हम सब पर भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।